राशिद किचन यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं इंदौर की मशहूर पेटीज, नारियल पेटीज, बहुत ही टेस्टी पेटीज। तो आज की इस खास रेसिपी को शुरू करते हैं, आइए चलते हैं। हम शुरू करते हैं आज इस रेसिपी को बनाना। इसके लिए हमने लगभग 2 आलूओं को बॉईल किया पहले, उसके बाद इसको मैश कर लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे ये 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं। और इसके बाद हमने 3 ब्रेड को इस तरह से उसके बारीक बारीक बाहर के हिस्से को निकाल कर इसको हमने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। और इसको भी हम ब्रेड क्रम को अपने इन आलूओं के साथ ऐड कर देते हैं। और इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें इतना कॉर्नफ्लोर है ये, इसको हम इसी के साथ ऐड कर देते हैं। ये लगभग 2 टीस्पून होगा छोटी साइज़ का। और अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अभी हमने इसमें 1 चम्मच नमक ऐड किया है। इसके बाद हम जब इसको सर्व करेंगे तो चटनी भी और भी चीज़ें रहेंगी तो हल्का सा खट्टापन रहेगा, इसलिए नमक थोड़ा सा कम ही यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अब इसको हम मैश कर देते हैं बहुत अच्छी तरह से। इस तरह से मैश करेंगे कि एक डो का फॉर्म आ जाए। दोस्तों डो हमारा लगभग तैयार हो गया है, हमने बहुत अच्छी तरह से स्मूथली इसको मैश कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा तिल का यूज़ करेंगे, वाइट तिल है। इस तिल से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आप जब भी इसको खाएंगे पकाएंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा हाथों में तेल का यूज़ करते हैं। इस तरह से हमने डो रेडी कर लिया है। अब इसमें जितना अच्छी तरह से आप इस डो को रेडी करेंगे, जितनी अच्छी तरह से इसको मैश करेंगे, जितना अच्छा स्मूथनेस आएगी उतना ही अच्छा आपको टेस्ट मिलेगा। लोई में बना लेते हैं इस तरह से। अब हम इसको बराबर बराबर हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं इस तरह से। और आप देख सकते हैं ये इस तरह से हमने ये पेटीज की साइज फिक्स कर ली है। पेटीज को बना लिया है और अब उसके अंदर की फिलिंग की तैयारी करते हैं। इसके लिए आप ध्यान से देखिए सारी चीज़ों को, क्योंकि इन पे ही बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी आपके टेस्ट की। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। इस तरह से हमने नारियल का भूरा लिया है, ये हमने इसको 1 कटोरी लिया है, इसको हम रख देते हैं। इसके साथ ही ये किशमिश है और इसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। 1 कटोरी में थोड़ी सी हमने धनिया की पत्ती भी ली है। इस तरह से हमने काजू को क्रश कर लिया है, बारीक कर लिया है, इसको भी हम ऐड कर देते हैं। एक और बहुत ख़ास चीज़ हम ऐड करने वाले हैं, खसखस दाने। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही उपयोगी है हेल्थ के पर्पज से भी, इसको भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। बारीक इस तरह से हमने प्याज को भी चॉप कर लिया है, 1-2 मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको भी हमने इसमें ऐड कर लिया है साथ में। इसके अलावा ये अमचूर पाउडर है, आप चाहें तो लेमन का यूज़ भी कर सकते हैं, लेमन जूस को डाल सकते हैं, हमने इसमें अमचूर पाउडर का यूज़ किया है। और ये एक और बहुत ज़रूरी चीज़, अक्सर आपने देखा होगा परिवार में सौंठ का बहुत उपयोग होता है, तो इसको हमने सौंठ को भी इसमें डाला हुआ है। और इसके बाद हल्का सा स्पाइसी टच के लिए हमने हरी मिर्च को भी इसमें ऐड कर दिया है। और इसके बाद अब हम इसमें ऐड करते हैं काला नमक, थोड़ा सा इतना सा आलू भी ऐड कर देते हैं। और ये हमारे पेटीज़ की फिलिंग तैयार हो गई है। और आप देख सकते हैं सारे मसाले सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो गई हैं। अब हम तैयारी करते हैं फिलिंग की। लगभग इतना इस तरह से हम छोटा छोटा सा पीस बना लेंगे और इसको हम अपने पेटीज के अंदर फिल करेंगे इस तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं फिलिंग की तैयारी। इस तरह से हमारी पेटीज हमने पहले बना कर रख लिए थे, इसको हम बहुत अच्छी तरह से इस तरह से थोड़ा सा बड़े करेंगे, रोटी स्टाइल में लेके आएंगे इसको इस तरह से। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको बड़ा कर लिया है, रोटी की तरह बना लिया है। और अब इसके अंदर हमने जो इस तरह से फिलिंग बनाई थी, छोटा सा हमने वॉल सी रेडी करी थी, आप देख सकते हैं इस तरह से, इसको हम इसके अंदर रख देते हैं। और इसको बिल्कुल इस तरह से कवर कर देंगे कि जब भी हम इसको फ्राई करेंगे तो ये तेल में खुले ना। और आप देख सकते हैं ये हमारी बॉल इस तरह से पेटीज रेडी हो गई है। अब इसको बहुत अच्छी तरह से इसको
गोल कर लेंगे बिल्कुल इस तरह से। और आप देख सकते हैं इस तरह से एकदम गोल आ गया है, और इसको इस तरह से हम रेडी कर करके रखते जाते हैं। तो आप देख सकते हैं सारे पेस्ट्री के अंदर हमने अपनी जितनी फिलिंग मटेरियल बनाया था सब अंदर हमने भर दिया है, और इस तरह से पूरी रेडी हो गई है। अब बस इसको हम चलते हैं कढ़ाई के लिए फ्राई करने के लिए। पेटीज को रेडी कर लिया था, और कढ़ाई में तेल हमने ले लिया है, बहुत तेज़ गर्म भी हो गया है। अब इसको हम फ्राई करना शुरू करते हैं। इस तरह से हम अपने तेलों में डालते हैं, और ये इस तरह से हमारे फ्राई होना शुरू हो गए हैं। दोस्तों जब तक हमारी पेटीज फ्राई हो रही हैं, तो आपसे हम एक और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका एप्रिसिएशन्स, आपकी तारीफ, आपके कमेंट्स बहुत सारी एनर्जी देते हैं, बहुत सारी ताकत देते हैं, और हमें कुछ नया करने की, नया सोचने की हौसला भी देते हैं। आज की जो रेसिपी है वो भी ऑन डिमांड रेसिपी है। आप भी चाहेंगे तो जो भी डिमांड करेंगे रेसिपी की, हम उसको ज़रूर पूरा करेंगे। आप देख सकते हैं ये पेटीज़ बहुत अच्छी तरह से गुलाबी हो गई हैं। हमें इसी तरह फ्राई, कंटिन्यू फ्राई इसको करते रहना है। दोस्तों बहुत ही सिंपल रेसिपी है, ब्रेकफास्ट में आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, और बच्चों को मैं बिल्कुल आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि बच्चों को बहुत पसंद आएगी। और इतनी टेस्टी रेसिपी है कि आप देखेंगे कि इसके अंदर भी हमने इतनी सारी चीज़ें फिल की हैं, बाहर आलू है जो बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो आप ब्रेकफास्ट में कभी भी यूज़ करेंगे तो बिल्कुल बच्चे इसको खाने से परहेज नहीं करेंगे। तो बच्चों के लिए आप इसको बनाइए, ट्राई करिए। और आप देख सकते हैं अब बिल्कुल ही ये रेडी हो गए हैं। इनको हम निकाल लेते हैं कढ़ाई से, इस तरह से निकाल लिया है, और चलते हैं अब इसको एक सर्विंग बाउल के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं सर्व करने की तैयारी। तो हमने इस तरह से कटोरी में देते हैं चम्मच, इसमें डालेंगे पेटीज, और इसके ऊपर से ये हरी चटनी, और ये इमली की बहुत ही डिलीशियस शानदार चटनी। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने ये पेटीज बना ली, बहुत ही टेस्टी पेटीज़ है। आप सब एक बार ज़रूर घर में ट्राई करिए, और सबको, परिवार के सारे सदस्यों को ज़रूर खिलाइए। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, एक नए वीडियो में अगले वीक। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।